ब्रेक तो स्वागत है सारे ही दर्शकों का। तो गल करांगे सूबे की कानून व्यवस्था की, जिथे कि जनाजा निकलिया हुआ नजर आता है। जीरेपुर के नेड़े गोलियां चलन के नाल दहशत का माहौल बनया हुआ है। कार सवार अणपछातियां दे वल्लों हवाई फायर दागे गए। जी हाँ, जीरकपुर पटियाला हाईवे के नेड़े कलोनी के अंदर हवाई फायर किए गए। उधर पुलिस के वल्लों हुण पूरे मामले की पड़ताल जरूर की जा रही है, पर सवाल उही बरकरार ने कि आखिर इस सिलसिला कदों रुकेगा। जीरकपुर पटियाला हाईवे के नेड़े एक कलोनी के अंदर दहशत का माहौल इस वक्त पाया जा रहा है। हालात जो है तनावपूर्ण बने हुए हैं, क्योंकि हवाई फायर चल गए, गोलियां दागिया गई। अणछात्यां दे वल्लों ये हवाई फायर जो ने वो किए गए। दस दिए कि कार के सवार होकर अणछाते आते हैं तो फायर दाग के चले जाते हैं। जीरकपुर पटियाला हाईवे के नेड़े कलोनी के अंदर यह हवाई फायर किए गए। पुलिस हुण पूरे मामले की जांच जुटी है, पर तस्वीर तुम देख पा रहे हो कि किंज एक बार फिर दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। सूबे की कानून व्यवस्था जो है एक बार फिर तो सवालों के घेरे घिरती नजर आ रही है। पंजाब दे विच लॉ एंड ऑर्डर नूं लैके लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि लगातार गोलीबारी हो रही है, एक दूसरे के उत्ते गोली चलाना हुण आम घटना हो गया। अज एक बार फिर जीरकपुर के शिवा इनकलेव दे विच दिन दिहाड़े जिहड़ी गोलीबारी हुई है, इत्थे गोलियां चलाई गई हैं एक दूसरे के उत्ते। ये तस्वीरां तुसीं वेख रहे हो, ये सोनी कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डर एक दुकान हैगी है जिथे फायरिंग हुई है। यहाँ पर लड़का यहाँ रहते हैं जी। हाँ। वो यहाँ से भागते हुए आया, इसमें घुस अंदर चला गया। हाँ। तो वैसे कार आया, उधर से गोली चलाया बाहर से। कितने लोग आए थे गाड़ी में? अब गाड़ी में हम देखने, अंदर से चार थे कि तीन थे, ये तो पता नहीं। अच्छा। अंदर से हम अंदर कितनी गोली चली, कितने करीब? चार पांच फायर चला है। चार पांच? हाँ जी। तो किसी को लगी तो नहीं? लगी किसी को नहीं। जो भी होया गलत होया, बहुत ही ज्यादा ऐदा होना नहीं चाहिए सीगा जी। सवामे बदमाशी होने लग गई तो पंजाब ज्यादा बुरा हाल हो जाऊगा। तो भाजी ऐदा है, वो पहला ही लड़ रहे थे इतने, अद्धा घंटा पहले लड़ते रहे बार, अचानक वो गड्डी लेके फिर इधरों भज गए। फिर 10 मिनट बाद आए, वो मुंडा साढ़े को अंदर आया, कहता भाजी 100 नंबर से कॉल कर दो, मैं पुलिस वाले को कॉल करनी है। इन्नी देर सी असी देख आए बाहर ही, मुंडा आया नाल ही, जदी नाल दी नाल फायरिंग हो गई, फायरिंग करके नाल दी नाल भज गए। सानू नहीं पता मुंडे कौन सी, ना असी पछाणे। वैसे बचाव हो गया, चार पाँच गोलियां चलिया, लगी किसी दे नहीं हैगी मुंडे नूं। हुण पुलिस वाले आए सीगे, उह लेके चले गए, गोलियां भी इत्थों जिहड़े खोल सीगे उह चक ले गए। अज दी घटना एक बार फिर दर्शा रही है कि किस तरीके नाल जिहड़ी है गोली चलाना कितना आसान हो गया। तो गनीमत यह रही है कि इस घटना दे विच कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, किसी नूं गोली नहीं लगी, लेकिन जिस तरीके नाल रिहायशी इलाका है किसी नूं भी गोली लग सकती सीगी। तो हुण पुलिस इस घटना की जांच दे विच जुट गई। जीरकपुर तो कैमरामैन सुमित कलेर दे नाल अंकुश महाजन, PTC न्यूज़। अगे वधांगे ते हुण खेतीबाड़ी सैक्टर दे विच भी पार कट लग्या। जी हाँ, पटियाला जिले दे विच खेतीबाड़ी मोटरां ते एक कट लग्या, तां राती 8:15 बजे तो लैके 11 बजे तक बिजली सप्लाई ठप रही। बिजली दी मंग बेतहाशा वाधा जो है होया, और इस नूं लैके हालात एक बार फिर तो चिंतापूर्ण बने ने। मंग 14,500 मैगावाट तक पहुँच गई है। हालांकि पावरकॉम जो है वह 13,800 तो 14,000 की बिजली सप्लाई करन दे ही समर्थ है। अजिहे दे विच किस तरह इस पूरी मंग की पूर्ति की जाएगी, यह देखने वाली गल होगी। पर पटियाला जिले के खेतीबाड़ी मोटरों से भी हुण कट लग्या है, तो हुण खेतीबाड़ी सैक्टर के भी पावर कट के चलदिया लोग जो ने परेशान हो रहे हैं। राती 8:15 बजे तो लैके 11 बजे तक बिजली की सप्लाई ठप रही। बिजली की मंग के बेतहाशा वाधा होया, तो मंग 14,500 मैगावाट तक पहुँच गई। हालांकि यह भी दस दिए कि पावरकॉम 13,800 तो लैके 14,000 की बिजली सप्लाई करने के लिए ही समर्थ है।